Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we evaluate our knowledge which is based on our previous lectures on teaching. So if you had missed those lectures, then go and check them out and give a test here. So we have taken our third test, which is teaching MCQs part 3. Before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for further lectures and best videos, right? So let's just start. What is the first question is given here? Which of the following is most appropriate? You have to find the most appropriate one from these examples or statements, right? So in statement mein pehli kaun si hai? Teacher can teach. Teacher padha sakta hai? Haan, padha sakta hai, par most appropriate nahi bol sakte hum ise. Teacher help can create a student a desire to learn. टीचर का जो पढ़ाना है वो स्टूडेंट्स में एक डिज़ायर पैदा कर सकता है पढ़ने की. सो डेफिनेटली टीचर कैन हेल्प टू क्रिएट. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि एक टीचर ही एक ऐसा पर्सन है जो स्टूडेंट्स के अंदर ये डिज़ायर पैदा कर सकता है कि वो कुछ सीखे और वो क्यों सीखे ये भी बताता है. सो राइट, दिस कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, बट वी हैव टू लर्न नेक्स्ट वन. मतलब पहले हम इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार. लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग थिंकिंग. क्या लेक्चर मेथड थिंकिंग को डेवलप करने के लिए यूज़ हो सकता है? टीचर कैन बोर्न, जो टीचर हैं वो पैदा होते हैं. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर पैदा ही होते हैं. सो टीचर कैन बी बोर्न, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर बोर्न ही होते हैं, राइट? सो टीचिंग की जो जो पूरी स्किल्स हैं वो बाद में भी डेवलप हो सकती हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट हियर. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर, राइट? सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. अब हमें बताना है कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है. अगेन, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम. येस, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम. सो डेफिनेटली यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आगे क्या है, सिलेबस इज़ नॉट सेम एट ऑल. सो यही चीज़ें हैं और बेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिवन ऑप्शंस इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अब इन दो ऑप्शंस में से, यानी कि एग्जाम्पल्स में से, मुझे बताना है कि कौन सा अंडरस्टैंडिंग को, अंडरस्टैंडिंग का एक एग्जाम्पल है बेस्ट. डिफाइन नाउन. नाउन को अगर डिफाइन कर दें तो वो क्या होगा? मतलब सीधे से डिफाइन करो तो वो मेमोरी लेवल हो गया ना, कि टीचर डिफाइन कर रहा है. लेकिन डिफाइन नाउन इन ओन वर्ड्स, योर ओन वर्ड्स, ऐसा टीचर कहे तो उसका मतलब है कि अब जो स्टूडेंट है उसको नाउन के अंदर मास्टरी करवाने जैसा टीचर कुछ चाहता है, या उसे चाहता है कि वो अच्छे से समझे. सो ये क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल की हो गई, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट? सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि मतलब जिससे एक टीचर या फिर टीचिंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती. ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो, या फिर प्रिंटेड मटेरियल, या ट्रांसपेरेंसी. सो ट्रांसपेरेंसी आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी से इंस्ट्रक्शन कैसे दी जा सकती है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. यू आर राइट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हमें यहाँ नॉट करेक्ट ही देखनी है. लेक्चर मेथड कैन बी डेवलप रीजनिंग. लेक्चर, हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये देख लिया कि लेक्चर मेथड मेमोरी ही डेवलप नहीं कर, मतलब थिंकिंग डेवलप नहीं करता इतनी ज़्यादा, तो रीजनिंग कहाँ से डेवलप करेगा इतनी, ठीक है? सो ये ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट नहीं है. यही क्या हुआ, रॉन्ग आपको दिख रहा है. लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज. यस, डेफिनेटली नॉलेज तो डेवलप कर सकता है. लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस. ये वन वे प्रोसेस है, राइट? टीचर यहाँ पर अपनी सारी बातें जो स्टूडेंट है उससे डिस्कस नहीं करता, उसे बताता है, राइट? सो ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट आर पैसिव. यस, स्टूडेंट्स को जो है सुनना होता है सब कुछ. सो ऑप्शन नंबर 1 जो है रॉन्ग हुआ. सो यही हमारा ऑप्शन है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल, जो हायर एजुकेशन लेवल पर टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जाम.
या सिर्फ उन्हें एग्जाम पास करवाने के लिए पढ़ाए हायर लेवल के स्टूडेंट्स को? नहीं, टू डेवलप कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, क्या उन्हें डिसीजन लेने के लिए इतना कैपेबल बनाए कि उनकी जब लाइफ में प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम्स रेज होंगी तो वो उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सके। सो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन। क्या उन्हें इंफॉर्मेशन देना इनफ होगा? नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें तो उन्होंने अपने पिछली क्लासेस में भी देख ली थी, मतलब जब वो हायर क्लासेस में नहीं थे। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर्स, सो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कैपेसिटी वाला ही ठीक है, ऑप्शन नंबर टू, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? रिलायबिलिटी अश्योर्स वैलिडिटी, वैलिडिटी अश्योर्स रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट। सो देखो, रिलायबिलिटी अलग सिनेरियो होता है एंड वैलिडिटी अलग। ये नहीं है कि जो चीज़ वैलिड है वो रिलायबल भी होगी और रिलायबल है तो वैलिड भी होगी। बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्युएशन। सो मैंने पहले आपको जब शुरुआत की तो क्या बताया, इवेल्युएशन कर रहे हैं हम। सो आपको बताना है कि इवेल्युएशन क्या इंडिकेट कर रहा है इन तीनों एग्जांपल्स में से। राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, मोहन गॉट 38%, श्याम गेट फर्स्ट। सो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इनकी कभी ना कभी इनके टीचर ने एग्जामिनेशन ली या इन्होंने कोई एग्जाम या टेस्ट दिया और जिसके अंदर इनका कुछ स्कोर आया। सो डेफिनेटली इन्होंने टेस्ट की अपनी नॉलेज और उसके बेस पर ये सब इनके स्कोर्स हैं। सो ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर फोर, राइट। द टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन। सो डेफिनेटली क्वेश्चन वही है, ऑप्शन अलग है, आपको अब इनमें से देखना है कि हायर लेवल पर टीचर्स के क्या रोल होते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्रोवाइड सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। सो पहले आपने देखा था कि स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग और उसी का ही एक पार्ट क्या हो गया, उसी जैसा सेल्फ लर्निंग। सो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन और हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें नहीं, उन्हें सेल्फ लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि टीचिंग है वहाँ, राइट। सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट। वैसे तो आप इनमें से और भी तरह के टीचर्स को लाइक करोगे, जैसे अगर वो पंचुअल है, लविंग है, ऑफन है, लेकिन जब भी हम टीचिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखो कि टीचिंग में बेस्ट चीज़ क्या है। अगर टीचर ने रिसर्च कर रखी है अपने पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सब रिसर्च करके रखा है, तो वो टीचर ही बेस्ट होगा और बच्चे उसे पसंद करेंगे, राइट। हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? सोशल ट्रांसफॉर्म, पर्सनल ट्रांसफॉर्म या कल्चरल? क्योंकि टीचर और टीचिंग ये दोनों मिलकर पूरे एक सोशल जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको भी अच्छा बना सकते हैं, एक पर्सन को भी अच्छा बना सकते हैं, पूरे कल्चरल को भी अच्छा बना सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अ टीचर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। जो टीचर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है सेल्फ रियलाइजेशन में, वो किस साइड होगा? टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। किससे अफेक्ट होगा? कंसल्ट फुलफिलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नीड। क्या स्टूडेंट की नीड्स को फुलफिल कर दे तो क्या स्टूडेंट उससे इम्प्रेस हो जाएंगे या फिर बहुत उसे अच्छा मानेंगे? स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ रूम एक्टिविटीज़, जो क्लासरूम में उसकी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा उससे अफेक्ट होंगे, या सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स नीड गोल एंड पर्पस, ये वाला ऑप्शन। क्योंकि अगर टीचर ध्यान रख रहा है कि स्टूडेंट्स को किस तरह की नीड्स हैं, उन्हें किस तरह पढ़ाया जाए, गोल क्या है, पर्पस क्या है, वो क्यों यहाँ पढ़ने आए हैं, उन्हें अगर वो फुलफिल कर रहा है, उन्हें सेंसिटिवली ले रहा है, सो डेफिनेटली ही इज़ अ गुड टीचर एंड इस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
विच इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग. अब इनमें से आपको लीस्ट इम्पॉर्टेंट बताना है. अभी तक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख रहे थे. सो पनिशिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पनिश करना क्या मेन चीज है टीचर की. मेंटेन डिसिप्लिन, लेक्चर इज इम्प्रेसिव, ड्राइंग स्केचेस डायग्राम समझाने के लिए तो जरूरी है. सो पनिशिंग स्टूडेंट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी इन टीचिंग. सो यही ऑप्शन करेक्ट हुआ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास शुड बी. अगर कोई बच्चा है वो बार बार से क्लास में क्वेश्चंस रेज कर रहा है तो उसके साथ टीचर को क्या करना चाहिए बताओ. क्या उसे एनकरेज करे फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली, उसे इस तरह से समझाए कि वो खुद भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे. राइट, एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर क्लास. क्या ये बोल दे कि मुझे क्लास के बाद मिलना. उससे उस बच्चे को एक अलग सा लगेगा कि क्या पता नहीं क्या सर बुरा मान गए या क्या. सो ऐसा नहीं करना कि बच्चा अगली बार या कोई दूसरा लर्नर पूछे ही नहीं. राइट, तो ये गलत हो जाएगा. एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, और उसे एनकरेज कर दे कि क्वेश्चन पूछो. अरे इससे क्या ज़्यादा फायदा थोड़ी होगा कि बार बार वो क्वेश्चन पूछे. हाँ ये ज़रूर होगा कि वो क्वेश्चंस पूछे और खुद भी उनके आंसर्स को लेकर आए. एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब इन क्लास, और ये बोल दो कि क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ये भी बहुत खराब चीज़ हो जाएगी. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हियर, कि खुद भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली उसे एनकरेज करो कि यस बेटा यू आर आपने क्वेश्चन पूछा, आप इसे थोड़ा सा और स्टडी कीजिए, फिर मैं इसे और अच्छे से डिस्कस करूंगा. इस तरह की चीज़ें बेस्ट हैं. सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हियर. ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू. मतलब जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम कैसे ले सकते हैं बच्चों का, अगर क्योंकि अगर लर्नर पार्टिसिपेट कर रहा है टीचिंग में, दैट मीन्स कि टीचिंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव चल रही है. राइट, सो हम ये कैसे बढ़ा सकते हैं इफेक्टिवनेस. डिस्कशन मेथड के थ्रू, लेक्चर मेथड के थ्रू, या ऑडियो विजुअल, या फिर टेक्स्ट बुक. हम डिस्कशन करवा के कि जब वो डिस्कस करता है तो वो अपनी बात को रखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे शेयर करता है. राइट, सो डिस्कशन मेथड इज बेस्ट हियर फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय फेज फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड. क्यों बोलते हैं टीचर को फ्रेंड्स, फ्रेंड की तरह, फिलोसोफर की तरह, या गाइड की तरह, ऐसी तुलना क्यों दी गई है टीचर के लिए. बिकॉज He has to play all the vital role in context of society. क्या वो सोसाइटी में इस तरह के हर रोल को निभाता है. क्या he transmits his high values to humanity in student. क्या वो student में बहुत ज़्यादा अच्छी values को, humanity वाली जो एक अच्छे human वाली values हैं वो student में डालता है. He is great reformer of society. क्या society में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बदलती हैं वो teacher की वजह से बदलती हैं. He is a great patriot. Okay. तो ये चीज़ें हैं. सो ऑप्शन नंबर टू, क्योंकि टीचर डायरेक्टली रिलेटेड है स्टूडेंट से. सो स्टूडेंट के अंदर जो चेंजेस हैं उन्हीं से रिलेटेड वो चेंज करता है, उनके अंदर एक अच्छे ह्यूमन वाली वैल्यूज को देता है. राइट, सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर अ टीचर लाइज इन एरिया. सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज बताओ, मतलब एक कारण बताओ जिससे टीचर फेल हो जाता है, अपनी जो भी उसको प्रोसेस अच्छे से करवानी है उसमें फेल कब हो जाता है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लेक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. यस, दिस इज द करेक्ट. अगर उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है प्रॉपर, उसे बताना ही नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली उसका तो मोटो फेल होगा ही ना. सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट. अब कौन से मीडियम के थ्रू या कौन से इनमें से ऑप्शंस हैं उनके थ्रू जो लर्नर है उसको इंटरेक्ट करने का ज़्यादा मौका मिलता है. यूज फिल्म, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, या फिर टीवी, वर्ल्ड वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी. सो टीवी के जो क्लासरूम प्रोग्राम्स है डेफिनेटली वहाँ इंटरेक्ट नहीं हो सकता. स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, अगर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कशन हो रही है तो वही इंटरेक्शन का बेस्ट है. सो इंटरेक्शन डेफिनेटली डिस्कशन में ही होता है, बेस्ट ऑप्शन में. सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर. अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद अ स्टूडेंट बाय. जो टीचर है वो बहुत अच्छी तरह से जो दिल में कैसे बैठ सकता है एक स्टूडेंट के. बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, क्या एक अथॉरिटी की फिगर बन के. इम्प्रेसिंग स्टूडेंट बाय हिज नॉलेज और स्किल्स,
क्या वो अपनी नॉलेज और स्किल से स्टूडेंट को बहुत इम्प्रेस कर सकता है, इम्प्रेस करके, या प्लेइंग अ रोल ऑफ गाइड, बिकम अ फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट. सो फ्रेंड बनना या गाइड बनना ये इतना यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर वो अपनी नॉलेज और स्किल्स से इम्प्रेस कर पाए सो डेफिनेटली काम हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. होप यू लाइक दिस लेक्चर. अगर यहाँ पर कुछ भी आपको कमी लगी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स इज योर्स. वहाँ आप बता सकते हैं कि आपको क्या और तरह की चीज़ें चाहिए इस लेक्चर में और कितने पॉजेस चाहिए, क्योंकि मैं बीच में खुद रुक नहीं रही हूँ. अगर आपको चाहिए कि कुछ टाइम आपको मिले और फिर मैं क्वेश्चंस को करवाऊँ, सो डेफिनेटली यू हैव टू राइट दिस ऑन कमेंट एंड स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. Like, subscribe and share this video to your friends and anyone else. Stay connected with commerce.com.